पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 से अधिक आधार ऑपरेटर चिप्स एजेंसी के अंतर्गत विगत 7 से अधिक वर्षों से लगातार आधार पंजीयन एवं अपडेशन के कार्य में सेवा दे रहे हैं। साथ ही समय समय पर शासन एवं आधार कार्ड के स्थानीय कार्यालय हैदराबाद के दिए गए गाइडलाइन एवं निर्देशों का पालन कर रहे हैं। वर्तमान में संभागीय कार्यालय हैदराबाद ने आधार केंद्र को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार पूरे राज्य के आधार केंद्रों को शासकीय परिसर में संचालित करते हुए इन हाउस मॉडल में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो चिप्स एजेंसी के अंदर कार्य कर रहे हैं उनका कार्य बंद होने की स्थिति हो गई है, जिससे आधार ऑपरेटर बेरोजगारी की कगार पर है। इसी को लेकर हमने आधार ऑपरेटर से खास बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर क्या है ये पूरा माजरा। नमस्कार दोस्तों, एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं और जो हमारे पीछे भीड़ आप देख रहे हैं ये आधार ऑपरेटरों की भीड़ है। ये कुछ दिनों से काफी परेशान है, कुछ दिनों क्या कुछ महीनों से काफी परेशान है। सिर्फ यह सोच रहे हैं कि आगे इनका व्यवसाय ये आधार ऑपरेटर जो है ये ऑपरेटर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इनका व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा, कुछ शासन की नीतियों से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है, क्या ऐसी नीतियां हैं जो इनके सामने ये इनको डर सता रहा है कि आगे आने वाले समय में कहीं ये भूखे न मरें, कहीं इनका परिवार बिखर न जाए। जानने का प्रयास करते हैं इन्हीं से। भाई साहब, आपका नाम बताएंगे। क्या ऐसा आन पड़ा है आप लोगों के सामने, दिक्कत ऐसी कौन सी आन पड़ी है, क्या शासन की नीति आ रही है कि आप लोग परेशान हैं? अभी एट द प्रेजेंट जो मॉडल चल रहा है वो चेंज होकर इन हाउस मॉडल में आने का है, जिसमें चिप्स और UID इस चिप्स के अंदर हम काम करें पिछले 7-8 साल से, और UID जो इस काम को संचालन कर रही है, माध्यम हमारा चिप्स है जिसके अंदर में हम ऑपरेटर्स हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हम अपना मशीन लेके कुछ काम कर रहे थे, उनके UID के गाइडलाइन पे डॉक्यूमेंट पेमेंट जो भी है उनके गाइडलाइन पे ले रहे थे। अब ये ऐसा हो गया है कि UID को चिप्स को उन्होंने ये कहा है कि आप जितने भी ऑपरेटर रख रहे हो अपना स्वयं का मशीन दो और उनको अपने अंदर में, मतलब इन हाउस मॉडल में ले रही है। तो अब चिप्स के पास इतनी सारी मशीनें हैं नहीं, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 2-2.5 हज़ार ऑपरेटर्स हैं और जिसके पास 250 मशीनें, तो 10% की मशीनें, तो बाकी जो 90% है अगर इन हाउस मॉडल होता है तो या तो वो घर बैठ जाएंगे या फिर जो इनका एक नया प्रोजेक्ट है UCL, जिस पर सिर्फ मोबाइल नंबर नाम, मतलब आधार का 10% वर्क जो है वो सिर्फ कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तो बेरोजगारी और दूसरा इनकम 10% होना स्वाभाविक है। तो हम इसी चीज़ को लेकर कल CM साहब से हमारे स्टेट यूनियन के कुछ सदस्य गए हुए थे सरकार के संज्ञान में डालने के लिए कि सर आने वाले समय में हम बेरोजगार हो सकते हैं, तो आप उस पर या तो फंड प्रोवाइड करके चिप्स को मशीन खरीदनी बोल दीजिए और सारे ऑपरेटर वैसे ही रहें, या फिर आप हमारे मशीन को लेकर UID से बात कीजिए। पर एक बार चिप्स कर चुके UID से बात हमारी मशीनों को लेके, UID ने बिल्कुल नकार दिया है कि हम ऑपरेटर की मशीन को वो नहीं करेंगे, आपका स्वयं का मशीन होना अनिवार्य है। तो ये अभी बड़ा एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा पेमेंट का हिसाब किताब करना, जो 2022 के बाद से नहीं हुआ है। और तीसरा मुद्दा हम लोगों ने दिया है कि जो भी ऑपरेटर्स हैं सेंटरों पे बैठते हैं उनसे आए दिनों आम जनता का वाद विवाद होता है, जिसमें मशीनें ऑपरेटर्स मारपीट होने की संभावना रहती है, जिससे क्षतिपूर्ति, तो उस क्षतिपूर्ति के लिए जो बीमा वगैरह करना है उसके लिए एक प्रपोजल रखा गया है। बाकी आगे सरकार की जो भी मंशा होगी उसके हिसाब से। आप कह रहे हैं 10% ही सिर्फ मशीनें और 2500 लगभग ऑपरेटर हैं, तो बाकी की जो 90% जो ऑपरेटर हैं वो क्या करते हैं, फिर कैसे काम करते हैं? वो अभी हम अपनी मशीन पे कर रहे हैं क्योंकि अभी ओपन मॉडल है। इन हाउस मॉडल आने के बाद मतलब चिप्स अपने मशीन ऑपरेटर को देंगे, अभी हम अपना स्वयं का मशीन लेकर बैठे हैं। तो अभी 2500 ऑपरेटर के पास 2500 मशीनें अवेलेबल है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे इन हाउस मॉडल में आएंगे तो हम अपने मशीनों को डस्टबिन में डालना है।
जो चिप्स हमको मशीन देगी उस पर काम करते हैं या फिर न्यू सेल मॉडल पे काम करते हैं। जो मशीन आप अभी यूज़ कर रहे हैं और जो चिप्स मशीनों की बात कर रहे हैं क्या फर्क है? मशीन सेम है दोनों, बस ऑनरशिप का फर्क है। अभी मशीन हमारे ऑनरशिप पे है, इन हाउस मॉडल में वो मशीन चिप्स के ऑनरशिप, बाकी सिस्टम वही है, वही है, कैमरा वही है, सब चीज़। चिप्स के ऑनरशिप में जब मशीनें आएंगी तो फिर क्या वो ऑपरेटर भी अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे या नया कोई टीम लेके आने वाले हैं? अब ये अभी कोई किसी को कुछ पता नहीं, यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमको कोई जानकारी नहीं है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। हम तो साइड करके नए ऑपरेटर लाएंगे या हम ही को देंगे, ये अभी एक अगर सीधी सी बात पूछी जाए कैसे हो पाएगा अगर नए ऑपरेटर वो रखें तो क्या आसान होगा? बिल्कुल नहीं, नए ऑपरेटर आएंगे तो उनको नॉलेज की कमी होगी, गलतियां ज़्यादा होंगी और वैसे भी अभी UID की गाइडलाइन इतने टाइट हो गए हैं कि हम जनता वैसे भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाते तो काम नहीं हो पाते। तो हम तो खैर सीनियर हैं तो मैनेज कर लेते हैं कि आदमी क्रोधित ना हो, उसको प्यार से जैसे भी समझाना समझा कर सकते, पर नए ऑपरेटर के पास नॉलेज की कमी होगी, आमना सामना फेस टू फेस ऑपरेटर और आम जनता का हो सकता है। दोस्तों एक बार फिर आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जब आधार कार्ड बनना प्रारंभ हुआ था तो सभी के आधार कार्ड में बहुत सारी त्रुटियां थी, कारण जो भी ऑपरेटर थे वो नौसिखिया थे, नॉलेज की कमी थी कैसे काम करना है। आप स्वयं भुक्तभोगी होंगे, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे आधार कार्ड में पुरुष की फोटो लगी है, लिंग महिला लिखा हुआ है, नाम महिला का है, फोटो पुरुष की लगी हुई है। तो ये स्थितियाँ एक बार फिर से पनप सकती हैं अगर नई चिप्स ने अगर नए ऑपरेटरों को काम दिया तो। भाई साहब आप बताएंगे क्या है मुद्दा? इन हाउस मॉडल के तहत में जो भी UID के गाइडलाइन के अनुसार छत्तीसगढ़ के चिप्स एजेंसी को जारी किया गया है, उसमें ये बोला गया है कि एजेंसी के द्वारा दस्तावेज मशीनें पूरे उनकी होगी, हम सिर्फ उसमें ऑपरेटर के रूप में कार्य करेंगे। वो चिप्स एजेंसी के द्वारा उनके पास पर्याप्त फंड नहीं होने की वजह से या किसी अन्य वजह से वो मशीनें प्रोवाइड करने के लिए सक्षम आज की स्थिति में नहीं है बोल रहे हैं। तो उस स्थिति में हमारे द्वारा 6 महीना पहले एक एग्रीमेंट कराया गया था जिसमें बोला गया था कि आपके मशीनों को हम 1 रुपये में खरीद रहे, एजेंसी से हमने एग्रीमेंट किया है। उस एग्रीमेंट के तहत में UID के पास पेश किया गया सामानों को, एग्रीमेंट को, तो UID ने उस पर विचार करने की बजाय एक सिरे से उनको खारिज कर दिया गया और ये बोला गया है कि हम दूसरे की मशीनें नहीं लेंगे, आपको स्वयं को ही मशीनें खरीद करके देना होगा जिसके आधार पर ऑपरेटर कार्य करेंगे। इन हाउस मॉडल में जो मशीनें उनकी होगी, सारे सेंटरों में उनकी सारे चीज़ें व्यवस्था उनकी होगी, हम सिर्फ ऑपरेटर के रूप में काम करने जाएंगे। लेकिन यह हो रहा है कि मशीनें व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में उनका यह कहना है कि अगर आप मशीन व्यवस्थित नहीं करते हैं तब आपको हम UCL में कन्वर्ट करेंगे, आपके जितने भी ऑपरेटर हैं उनको UCL में कन्वर्ट करेंगे। अगर UCL में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास मात्र 5 से 10% ही काम बच जाएगा, 90% खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब अगर साफ शब्दों में इसको अगर समझने का प्रयास करें या जनता को समझाने का प्रयास करें तो आधार ऑपरेटर जो अपने आधार सेंटर चला रहे हैं वो आधार सेंटर के स्वयं मालिक हुआ करते हैं अभी। हाँ, और आने वाले समय में वो आधार सेंटर के में सिर्फ एक नौकर की हैसियत से नौकरी करेंगे। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे मशीनों को ही लिया जाए और एग्रीमेंट अगर एजेंसी नहीं खरीद पा रही है तो हम आग्रह करेंगे UID के अधिकारियों की और उनके कि हमारे विचारों को फिर से पुनः विचार करें और हमारे जैसे भी हम चला रहे हैं उसी स्थिति में इन हाउस में कन्वर्ट करें। हम ये नहीं बोल रहे कि इन हाउस में कन्वर्ट ना करें, लेकिन हमारे वर्क को डिस्टर्ब ना करें जिससे हमारी रोजी रोटी की संभावना सामने बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सेंटर कम होंगे तो भीड़ बढ़ेगा तो पब्लिक का काम का जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब होगा और लोग परेशान होंगे। ये जो लड़ाई चल रही है आपकी, हाँ, जो सरकार के साथ लड़ाई चल रही है, जो उनकी जो नीति है, लगभग कितने समय चल रही है? ये हम लोग अभी लगभग 2021 से चालू किए हैं। 2021 में इन हाउस मॉडल को लागू किया गया था,
जो ऑल इंडिया बेस पे होनी थी, इसके लिए हम लोग 2022 में दिल्ली में भी जाके धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। वहाँ से फिर रिटर्न आने का समय ज़्यादा लगा, लेकिन अब उस यूआईडी का कहना है कि अब तत्काल इतने दिन में आपको व्यवस्था करें, अन्यथा आपकी एजेंसी को हम खत्म करें। सरकार का जो अड़ियल रवैया है, क्या लगता है आप लोगों की बात सुनी जाएगी? और अगर ना सुनी गई, सरकार अपने रवैये पर अगर अडिग रही, क्या हो सकता है? नहीं, सरकार का अड़ियल रवैया नहीं है, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है। वो एजेंसी और यूआईडी की बीच की लफड़ा है, ना कि सरकार की। सरकार इन्वॉल्व है। और इन हाउस जो मॉडल आप बता रहे हैं, अगर वो शुरू हो जाता है और आप लोग उसमें, आप लोगों को उसमें शामिल अगर नहीं किया जाता है, क्या समस्याएं आपके सामने आएंगी? हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और यूसीएल जितने में काम करने के लिए दे रहे हैं, उतने में हमारा तो एक दिन का रोजी भी नहीं निकल सकता है, जितने उनके में काम जो है, तो बिल्कुल हमारा काम खत्म हो जाएगा, तो हम दूसरे काम को देखना पड़ जाएगा, इसीलिए तो हम जा रहे हैं। सरकार चाहे तो बीच में मध्यस्थता कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। उनके हमने इसलिए तो मुख्यमंत्री जी को, आईटी सेल के विजय शर्मा जी, उनको भी ज्ञापन दिए हैं कि हमारी मध्यस्थता करें और इसको सॉर्ट आउट करें, ताकि हमारी रोजी रोटी छीना न हो। मुख्यमंत्री जी, आधार ऑपरेटर काफ़ी परेशान हैं, आपसे गुहार लगा रहे हैं मदद की। मध्यस्थता के बीच में आपको आना चाहिए, ताकि जो हमारे आधार ऑपरेटर हैं वो बेरोजगार ना हो, सड़कों पर ना आए और उनका परिवार कहीं बिखर ना जाए। इसी न्यूज़ के लिए भिलाई से मैं हूँ संतोष शर्मा।